हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक, टूल्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। नाउ यहाँ टूल्स का मतलब क्या है, या हम जिस टॉपिक की बात करें टूल्स की, उसका क्या मतलब है? देखो, अपन ने पिछली दो क्लासेस के अंदर जो टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था कि भाई टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी को क्यों यूज में लेते हैं अपन, है ना। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड का या किसी पर्टिकुलर एरिया का क्या बनाना है, वहाँ के फ्लोरा का अध्ययन करना है कि यहाँ किस तरह के प्लांट मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उसके अध्ययन के लिए हमें कुछ विशेष टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के हम टॉपिक के अंदर इन्हीं टूल्स के बारे में पता करेंगे कि ये टैक्सोनॉमी के टूल्स कौन कौन से हैं और उनका क्या उपयोग है, कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस टूल्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि फील्ड, जिस फील्ड का या जिस जगह का हमें क्या करना है, फ्लोरा का अध्ययन करना है। दूसरा आता है हर्बेरियम, तीसरा आता है बॉटनिकल गार्डन, चौथा आता है लाइब्रेरियम, ठीक है ना। तो फील्ड हो गया, हर्बेरियम हो गया, देन तीसरा क्या आएगा अपने पास में, तीसरा जो है वो होगा बॉटनिकल गार्डन, और चौथा हो जाएगा अपने पास में कौन सा, लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिटेल में लेंगे कि फील्ड क्या है, हर्बेरियम क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, लाइब्रेरी क्या है। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी, फील्ड की। अब फील्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि जिस किसी एरिया का हमें या जिस किसी भी जगह का हमें क्या बनाना है, फ्लोरा बनाना है, ठीक है ना। तो वो एक जगह हमें चिन्हित करनी पड़ेगी, ये जगह या एरिया हमें चूज करना पड़ेगा, उस एरिया या जगह को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड कहेंगे। और ये जो एरिया या जगह जो है वो पर्टिकुलरली इकोलॉजिकल एरिया भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें फ्लोरा कहाँ का बनाना है, डेजर्ट का बनाना है या पश्चिमी राजस्थान का बनाना है, तो पश्चिमी राजस्थान किसके अंतर्गत आता है, ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ का जो भी फ्लोरा होगा वो मैक्सिमम कैसा होगा, ये फ्लोरा डेजर्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम फील्ड को उनके आवास के आधार पर भी बांट सकते हैं कि कौन कौन सा आवास हो सकता है, वो डेजर्ट का आवास हो सकता है, यानी कि जहाँ पर मरुद्भेदीय वनस्पति, जीरोफिटिक प्लांट या जीरोफिटिक वेजिटेशन जो है, उन वेजिटेशन का अध्ययन करना या जो जीरोफिटिक वेजिटेशन है उनका फ्लोरा बनाना। इसी तरह से अगर अपन बात करें एक्वेटिक फ्लोरा, अब वैसे तो किसी एक पर्टिकुलर जगह की अपन जहाँ पर भी बात करें, जैसे अगर मैं को यहाँ पश्चिमी राजस्थान का फ्लोरा बनाना है तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी जो अपन अभी उप कैटेगरीज की बात करें फील्ड के अंदर, कि डेजर्ट भी आएगा, एक्वेटिक भी आएगा, ग्रेवल भी है। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो डेजर्ट फ्लोरा तो पर्टिकुलर क्या हो गया, कि बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके जहाँ मिट्टी है या धोरे हैं, ठीक है ना, या कम पानी है, वो डेजर्टिक इलाका हो गया। इसी तरह से अगर अपन पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स का बात करना चाहें, तो जहाँ कहीं पर भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो छोटे पौंड है, तालाब है, नदियाँ हैं, झील है, वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के फ्लोरा होंगे जो केवल पानी वाले पौधे होंगे, जो पानी के अंदर उगते हैं या पानी की अधिकता वाली आवास के अंदर उगते हैं। तो आवास के आधार पर ऐसे फ्लोरा कौन सा हो जाएगा, एक्वेटिक फ्लोरा हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेवल फ्लोरा, कुछ प्लांट की अगर अपन बात करें जो कंकरीली पथरीली जो भूमि है, उस कंकरीली पथरीली भूमि के अंदर ही उगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आवास जो है वो आवास क्या कहलाएगा, ग्रेवल कहलाएगा, ठीक है ना। ये अब ये आवास अपन को कहाँ पर मिलेगा, ना तो वो हिल है ना ही वो मैदानी है, दोनों के बीच का जो एरिया है, यानी कि हिल के नीचे की तरफ थोड़ा सा, पहाड़ों के नीचे की तरफ और मैदानी इलाकों के ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच का इलाका कैसा कहलाएगा, वो ग्रेवल इलाका कहलाएगा, जहाँ पर ज़मीन पथरीली हो, ज़मीन में कंकर पत्थर हो और कुछ प्लांट केवल पर्टिकुलरली वहीं पर ही उगते हैं, ग्रेवल इलाके के अंदर ही उगते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करें क्रोटलेरिया की स्पीसीज है, क्रोटलेरिया मेडिकाजीनिया, वो केवल और केवल ग्रेवल इलाके के अंदर उगती है, जहाँ पर ग्रेवल हो वहीं पर दिखाई देगा अपन को, ठीक है ना। तो हम देख मतलब ऐसे फ्लोरा जो ग्रेवल एरिया के अंदर उगते हैं तो वो एक अलग फील्ड हो जाएगा, ग्रेवल फील्ड हो जाएगा।
इसी तरह से फॉरेस्ट की बात करें, अब अगर हम मान लो पश्चिमी राजस्थान का ही फ्लोरा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो प्योरली डेजर्ट नहीं है। मैदानी इलाकों में कुछ एरिया जहाँ सघन वन जैसी स्थिति है, लेकिन अब यहाँ वन कौन से हैं या प्लांट कौन से मिलेंगे हमें ट्री रूट के अंदर भी, तो वो ट्रीज़ जो हैं वो भी अभी अगर अपन नॉर्मली देखें तो यहाँ मिलेंगे अपन को प्रोसोफिस जूली फ्लोरा के। इन्वेडेड प्लांट है, बाहर से आया हुआ इंट्रोड्यूस किया हुआ प्लांट है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट एक फॉरेस्ट जैसी अपन को संरचना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अकेशिया रेडियाना जो है, अकेशिया सीनेगल जो है, ये वो प्लांट्स है जो हमें वेस्टर्न राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट के रूप में भी मिल जाएंगे, यानी सघन वन जिनके कई सारे प्लांट मिलकर ट्री जो है वो एक वन जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फॉरेस्ट जैसी। तो इसका फ्लोरा जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बजाय किसके बिल्कुल जीरो फिटिक प्लांट के, इसका फ्लोरा डिफरेंट होगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर फील्ड होगी अपने पास में, फॉरेस्ट फील्ड। देन कल्टिवेटेड फील्ड, अब कल्टिवेटेड फील्ड कौन सा हो गया, जहाँ नॉर्मली हम खेती करते हैं कि ना, कृषक जो खेती करते हैं उसमें जुताई बुआई करते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट जो हैं वाइल्ड प्लांट्स या कुछ जो नॉर्मल प्लांट मिलते हैं नेचुरल रूप से, वो कल्टिवेटेड फील्ड के अंदर ज़्यादा मिलते हैं कि ना, क्योंकि वहाँ पर उनको आसानी से पानी और खाद वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो एज ए वीड कल्टिवेटेड फील्ड के रूप में, एज ए वीड या खरपतवार के रूप में उगते हैं। तो वो भी अपने पास में एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया, कौन सा, वाइल्ड फ्लोरा को फ्लोरा जो है उसका अध्ययन करने के लिए। तो कल्टिवेटेड फील्ड भी, कल्टिवेटेड फील्ड भी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया एज ए टैक्सोनॉमिक टूल के रूप में। देन हिली हैबिटेट, जितने भी जगह पर जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं छोटे मोटे पहाड़ तो अपन को मिलते ही मिलते हैं, जो भी एरिया अपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर छोटे मोटे पहाड़ अपन को ज़रूर मिलेंगे। तो ये जो पहाड़ है, चट्टान है, इन चट्टानों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार का फ्लोरा मिलता है जो मैदानी इलाकों में या धोरों के ऊपर अपने को नहीं मिलता या दूसरी मिट्टी के ऊपर नहीं मिलता। ऐसा फ्लोरा कौन सा होगा, हिल या जो लिथोफिटिक, अगर अपन एक वर्ड है पर्टिकुलर, लिथोफिटिक प्लांट, यानी चट्टानों के ऊपर उगने वाले प्लांट, चट्टानों की दरारों में जो मिलने वाले प्लांट हैं, तो इन प्लांट का अध्ययन करने के लिए हमें कौन से फील्ड को चूज करना पड़ेगा, हिली जो हैबिटेट्स हैं या पहाड़ी हैबिटेट है, चट्टानी हैबिटेट्स हैं, उनको चूज करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी एरिया का कंप्लीट फ्लोरा बनाना है या उस फ्लोरा का अध्ययन करना है, तो हमें इन सारे फील्ड को एक एक कर कर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जब अपन ने ओमेगा टैक्सोनॉमी पढ़ी थी पिछले वीडियो में अपन ने बताया था, तो ओमेगा टैक्सोनॉमी और जिसके अंदर अपन देखते हैं कि अल्फा बीटा टैक्सोनॉमी दोनों इंक्लूड है, तो उसमें अपन ने देखा थी कि एक फेज कौन सी आती है, एक्सप्लोरेशन फेज आती है, जहाँ से हम क्या करते हैं डेटा को एक्सप्लोर, प्लांट को एक्सप्लोर करते हैं, प्लांट की जितने भी स्ट्रक्चर है वहाँ पर उनको एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी कौन सी आती है, कंसोलिडेटेड फेज, जिसमें हम प्लांट का जितना भी डेटा इकट्ठ किया है उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और तीसरी आती कौन सी, डिस्क्रिप्टिव फेज, जहाँ हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनकी हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं। तो यहाँ हम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को फील्ड में डिवाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के आवास है, किस तरह के फील्ड है। जैसे अभी अपन बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमें वेस्टर्न राजस्थान का करना है, फ्लोरा बनाना है, तो वेस्टर्न राजस्थान के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेस्टर्न राजस्थान की एक सीमा निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट फ्लोरा की बात कर रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, जो कि इंडियन ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट जो है, उस थार डेजर्ट का फ्लोरा है। तो अब ये कहाँ कहाँ पर फैला है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, या राजस्थान के किन किन जिलों से लगता है, तो पहले उन जिलों को अपन निर्धारित करेंगे। फिर वहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड या आवास हैं डेजर्ट फ्लावर्स, प्योरली डेजर्ट है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, प्योरली डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। इसी तरह से एक्वेटिक है, ग्रेवल है, फॉरेस्ट है, कल्टिवेटेड, सब कुछ चिन्हित करेंगे, और चिन्हित करेंगे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, वहाँ पर फ्लोरा का क्या करेंगे, अध्ययन करेगा। ऐसे नहीं है कि हम उठे और चल दिए और फील्ड के अंदर जाकर, तो ये अनसाइंटिफिक तरीका होगा। साइंटिफिक तरीका क्या है, हम किसी एरिया का अगर हमें फ्लोरा बनाना है, तो पहले उसका जियोग्राफिकल एरिया देखेंगे, उसको फील्ड में बांटेंगे, और फिर उन पर्टिकुलर एक एक फील्ड को अपन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और डेटा को इकट्ठा करेंगे। तो ये भी एक टूल के रूप में काम आएगा कि हम कौन कौन से फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन दूसरा अपने पास में क्या है, हर्बेरियम।
ठीक है ना। अब इस हर्बेरियम को बनाने के लिए पहले तो बात, तो हर्बेरियम क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं पादप संग्रहालय, है ना। और संग्रहालय का मतलब क्या होगा, ऐसा स्थान जहाँ पर हमने कई चीज़ों को संग्रहित करके रखा है। तो यहाँ पादप संग्रहालय में क्या करते हैं, हम प्लांट को सुखाकर जो भी हमने एक्सप्लोर फील्ड को एक्सप्लोर किया है वहाँ से जितने प्लांट इकट्ठे किए हैं उन प्लांट को सुखाकर उसकी सीड बनाकर उसको स्टोर कर कर रखते हैं ताकि भविष्य में हम उनको एज ए रेफरेंस काम में ले सकें किसी प्लांट स्पीसीज को पहचानने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, हर्बेरियम कहलाएगा, ठीक है ना। अब इस हर्बेरियम को बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से उपकरण है, देखो जब कभी भी हम फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना, तो फील्ड में हमें कुछ विशेष चीज़ें चाहिए ताकि हम उस जगह की या उस पर्टिकुलर जगह की जो प्लांट स्पीसीज है उनको कलेक्ट कर सके, उनका डेटा इकट्ठा कर सके। तो क्या क्या काम में आते हैं अपने पास में, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्लांट को काटने के लिए या प्लांट की टहनी काटने के लिए नॉर्मली ये देखते हैं कि हम पूरे प्लांट को उखाड़ कर नहीं लाते हैं। छोटे प्लांट को अगर अपन पूरा उखाड़ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ हर्बेसियस प्लांट है, लेकिन अगर नॉर्मली प्लांट बड़ा है 3-4 फुट का है तो ऐसी स्थिति में हम पूरे प्लांट को लेकर नहीं आते हैं, बल्कि क्या करते हैं उस प्लांट की कुछ टहनियाँ जो है जिसमें फ्रूटिंग भी हो, फ्लावरिंग भी हो, फ्रूटिंग भी हो, सभी स्टेज हो, हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, उसकी फ्लावरिंग स्टेज भी होनी चाहिए, उसकी फ्रूटिंग स्टेज भी होनी चाहिए। तो ऐसी डालियों को हम क्या करते हैं, काट कर लाते हैं। तो काटने के लिए कई बार देखते हैं कि डालियाँ जो है मोटी होती, प्रिकली होती, यानी कि कांटेदार होती, तो उनको हाथ से नहीं तोड़ सकते हम, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक विशेष प्रकार की कैंची चाहिए, गार्डन की कैंची होती है, गार्डनर काम में लेते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन सिकेटियर, ठीक ना। और इस कैंची से हम आसानी से मोटी डाली को भी, 1-2 सेंटीमीटर डायमीटर वाली डाली को भी, या काष्ठी या वुडी डाली को भी अपन आसानी से काट सकते हैं। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इक्विपमेंट है, क्योंकि इसके बिना हम प्लांट की फील्ड में से प्लांट को इकट्ठा नहीं कर सकते। इसी तरह से दूसरा कौन सा, ट्रॉवल या खुरपी। अब ट्रॉवल या खुरपी क्या है कि अगर हमें किसी फील्ड के अंदर जाना है और उस फील्ड से कुछ ऐसे प्लांट को इकट्ठा करना है जिनकी रूट का स्ट्रक्चर हमें करना है, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर सारे करैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, प्लांट की रूट भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट की टहनियाँ वगैरह, उसकी हैबिट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें प्लांट को खोद कर देखना है, डिग करके देखना है कि उसकी रूट कैसी है, उसकी रूट की कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, तो ऐसी इसलिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, खुरपी की या ट्रॉवल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक प्लांट बॉटनिस्ट को अगर फील्ड में जाना है फ्लोरा इकट्ठा करने के लिए तो हमें क्या क्या चाहिए, सिकेटियर चाहिए, खुरपी चाहिए दूसरा, ठीक है ना। तीसरा, एक फोल्डिंग चाकू भी हमारे पास में होना चाहिए। फोल्डिंग चाकू नॉर्मल देखा होगा तुमने टीवी सीरियल्स के अंदर या किसी के अंदर, जिस चाकू को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर कर रख सकते हैं। तो ये जो चाकू है ये भी किसके काम में आता है, काटने के काम में आता है। कई बार हम सिकेटियर को घुसा नहीं सकते उस जगह पर, या उस जगह से काटना मुश्किल होता है, तो ऐसी स्थिति में हम तेज धार वाले छोटे चाकू से भी क्या करते हैं, टहनियों को काटने का काम करते हैं। अब अपन ने टहनियाँ काट ली या जो भी प्लांट मटेरियल इकट्ठा करना था इकट्ठा किया, लेकिन क्योंकि हम फील्ड के अंदर हैं तो फील्ड के अंदर उस प्लांट की सारी स्ट्रक्चर देखना संभव नहीं होता है एट ए टाइम, कि ना उसका अध्ययन हम कब कर सकते हैं, डिटेल अध्ययन तो हम जब उसको लेबोरेटरी में लेकर आए और वहाँ पर बैठकर हम डिटेल अध्ययन करें, उसका डिस्क्रिप्शन करें, उसको देखें। तो ऐसी स्थिति में उन प्लांट मटेरियल को हम अगर बिल्कुल फ्रेश लेकर आना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, एक और टूल की, उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और वो है क्या, वेस्कुलम। इसको अपन बोलते हैं वेस्कुलम, ये है सिकेटियर, ठीक है, और ये है ट्रॉवल। तो एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, हमने क्या चाहिए, वो है वेस्कुलम। वेस्कुलम एक छोटा एल्युमिनियम का डब्बा होता है, एल्युमिनियम का बना हुआ डिब्बा, जिसके अंदर की तरफ स्पंज की कोटिंग होती है, स्पंज होता है ना पानी सोखने वाला स्पंज, तो इस स्पंज की कोटिंग होती है। और जब हम फील्ड में जा रहे होते हैं तो इस स्पंज की कोटिंग को गीला कर देते हैं,
और जो भी प्लांट मटेरियल हमने लिया है उस प्लांट मटेरियल को इसका ढक्कन खोल कर उसके अंदर डाल देते हैं, तो हम अंदर की तरफ एक ह्यूमिडिटी बनी रहती है, एक वेपर बनी रहती है, वाष्प बनी रहती है, जिससे वो प्लांट मटेरियल जो है करीब 8-10 घंटों तक सुरक्षित रहता है, जो मुरझाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जब हम फील्ड से लेकर आएंगे मटेरियल तो वो फील्ड का मटेरियल क्या नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, ताकि हम उसकी प्लांट मटेरियल की आसानी से अवलोकन कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, उसका डिस्क्रिप्शन कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है वेस्कुलम का, इसके बिना हम फील्ड से प्लांट मटेरियल को इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वो टूल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टूल्स और होते हैं। अगर हमें फील्ड में जाना है और प्लांट मटेरियल इकट्ठा करना है तो हमें साथ में कुछ पॉली, छोटे छोटे पॉली बैग, जिपर पॉली बैग्स आते हैं इस तरह से, जिपर पॉली बैग्स, वो किस लिए कि हमें किसी प्लांट के अगर सीड इकट्ठे करने हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें कहाँ उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में इन छोटे पॉली बैग्स के अंदर क्या कर लेते हैं, हम उनके सीड्स इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा रबड़ बैंड, ताकि हम उन रबड़ बैंड का उपयोग कर सकें किसी चीज़ को बांधने में या किसी चीज़ को टाइटली पैक करने में, रबड़ बैंड का उपयोग कर सकते हैं। पानी की बॉटल जो है वो इम्पॉर्टेंट है करेक्टर, क्योंकि फील्ड में जाते वक्त हमें कई बार बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, एक्सप्लोरेशन करते हैं जब एक्सप्लोर करते हैं तो कई कई किलोमीटर हम घूमते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में हर समय क्या होना चाहिए, पानी की बॉटल भी होनी चाहिए। इसके अलावा डिग करने के लिए छोटा मोटा उपकरण और होना चाहिए, जिससे हम मिट्टी को आसानी से खोद सकें। तो ये तो हुआ वो उपकरण या वो टूल्स जो हमें फील्ड में चाहिए। इसके अलावा नोट डायरी, एक होता है फील्ड डायरी या नोट डायरी, ये उपकरण भी या ये टूल भी हम सदैव साथ में रखते हैं। अब क्या है फील्ड डायरी, फील्ड डायरी का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि हम मैक्सिमम रूप से तो क्या करते हैं कि प्लांट मटेरियल को वेस्कुलम में डालकर लेकर आ गए, लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली उसकी डाली काट के लेकर आए। अब वो फील्ड में प्लांट कितना बड़ा था, उसकी कैनोपी कैसी थी, अगर ट्री की बात कर रहे हैं उसकी कैनोपी कैसी थी, या उसकी ब्रांचिंग पैटर्न कैसा था, उसका फिलोटैक्सी कैसा था, हम यह एक या दो डालियों से उसका पता नहीं लगा सकते। इसीलिए प्लांट की डाली तो अपन डिटेल डिस्क्रिप्शन के लाते ही हैं, साथ में हम एक ऐसी फील्ड डायरी को भी रखते हैं जिसके अंदर हम उसकी फील्ड करेक्टर को लिखते हैं, उस प्लांट के फील्ड करेक्टर को, कि उसकी हाइट कितनी थी, उसका ब्रांचिंग पैटर्न कैसा था, उसकी फिलोटैक्सी कैसी थी, फ्लावर का कलर कैसा था, फ्लावर का डायमीटर क्या था। क्योंकि कई बार जब हम लेकर आते हैं, भले ही वेस्कुलम में लेकर आएँ, फिर भी जो फ्लावर है वो मुरझा जाता है, फ्लावर सबसे कोमल अंग होता है तो फ्लावर मुरझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम फ्लावर का डायमीटर पता नहीं कर सकते। कुछ प्लांट स्पीसीज को पहचानने में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कन्वॉल्वुलेसी फैमिली है, कन्वॉल्वुलेसी फैमिली के सारे के सबके फ्लावर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके डायमीटर, उनकी लेंथ में क्या होती है, डिफरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में फील्ड में हम उसका डायमीटर, उसकी लेंथ वगैरह क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फ्लावर के डायमीटर लेंथ की। इसके अलावा जो फील्ड के करेक्टर है, जैसे नॉर्मली अपन प्लांट में देखते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर नीचे की पत्तियां काफ़ी बड़ी होती है, ऊपर जाते जाते पत्तियां छोटी होती जाती है, तो अब अपन ने ऊपर से डाली काटी है तो नीचे की प्लांट की जो पत्तियों की एक्चुअल साइज है वो हमें पता नहीं चलेगा हर्बेरियम के जो वेस्कुलम में लेकर आए। तो ऐसी स्थिति में फील्ड डायरी में हम वो भी नोट करते हैं कि इसकी पत्तियों की मिनिमम साइज क्या है और मैक्सिमम साइज क्या है, ताकि भविष्य में उसका डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकें कि इसमें बड़ी से बड़ी पत्ती कितनी बड़ी हो सकती है और छोटी से छोटी पत्ती कितनी होती है, उसकी फिलोटैक्सी क्या है, उसके पुष्प पत्तियों का क्रम क्या है। ये सभी चीज़ें हमें फील्ड से ही इकट्ठी हो सकती है, उसकी हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, हैबिट और हैबिटेट क्या है उस प्लांट का, तो ये सारे करेक्टर क्या होंगे, फील्ड के द्वारा ही ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक फील्ड डायरी भी चाहिए, और इस फील्ड डायरी में हम उस प्लांट का क्या करते हैं, रफली डिस्क्रिप्शन करते हैं। साथ में इस फील्ड डायरी के ऊपर देखते हैं अपन, एक तरफ एक जो पट्टी लगी है जिसमें टैग लगे होते हैं, एक जैसे 4 या 5 टैग लगे होते हैं एक जैसे, जिसपे एक ही नंबरिंग होती है। जैसे यहाँ अगर अपन ने पहला पेज है तो 001 से शुरुआत हो रखी, तो पांचों टैग कैसे होते हैं, 001 से, ठीक है ना। और उनके ऊपर धागे जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे धागे जुड़े हुए होते हैं। अब ये टैग क्यों काम में आते हैं,
क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन हो या सभी प्लांट हम पहचानते ही हो। तो ऐसी स्थिति में हम प्लांट्स को भूले नहीं कि किस प्लांट का हमने किसके ऊपर वर्णन किया था, फील्ड डिस्क्रिप्शन किया था। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ से एक टैग निकाल जिसको आसानी से फाड़ सकते हैं, ये डॉटेड होता है जिसको आसानी से अपन फाड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक टैग को निकाला और जिस प्लांट की अपने डाली ली थी उसके ऊपर उस टैग को बांध दिया। मान लो अपन ने 5 डालियाँ उस वहाँ से काटी है तो 5 डालियों के टैग क्या कर देंगे, अपन बांध देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें पता रहेगा कि 001 वाली जो प्लांट जो कलेक्ट किया था वो पेज नंबर 1 के ऊपर अपन ने उसका डिस्क्रिप्शन किया है, ताकि हमें भूल चूक नहीं हो। फील्ड से जो प्लांट मटेरियल लेकर आया उसकी इजीली अपन पहचान कर सकें कि डायरी के पहले नंबर पेज के ऊपर ये वाला प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया, दूसरे नंबर पेज पे इसका डिस्क्रिप्शन किया है। तो फील्ड डायरी भी इम्पॉर्टेंट करेक्टर है हमारे हर्बेरियम को प्रिपेयर करने के लिए। हर्बेरियम बात बता चुका अपन, हर्बेरियम का मतलब जहाँ हम प्लांट का पादप प्रतिरूप जो है सुखा कर क्या कर रहे हैं, उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें, और साथ में हम उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ये टूल्स हमें चाहिए। इसके अलावा अब अपन उस प्लांट को लेकर आ गए लैब के अंदर, लैब के अंदर लाकर अपन ने उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कर दिया, उसके ऊपर हेयर पैटर्न कैसा है, फ्लावर के दूसरे जो करेक्टर एंडोसियम गाइनोसियम पेटल एपिकैलिक्स कैलिक्स, उसके ऊपर जो ब्रैक्ट है सहपत्र है ठीक है ना, या स्टिप्यूल है, उनकी स्ट्रक्चर उनकी शेप उनकी साइज, सीड के करेक्टर फ्लावर फ्रूट के करेक्टर सीड की साइज, ये सभी चीज़ें हम लैब में आने के बाद ही पता कर सकते हैं। और इसके लिए कई बार हमें माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मली अपन टैक्सोनॉमी के अंदर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं या स्टीरियो माइक्रोस्कोप को, उसके ऊपर के हेयर पैटर्न या स्कल्पचर जो है सीड स्कल्पचर उसको पता करने के लिए हमें स्टीरियो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एक बार हमने प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया तो अब इन प्लांट मटेरियल को जो हम लेकर आए हैं उन प्लांट मटेरियल को सुखा कर उनका पादप प्रतिरूप बनाना पड़ता है, ताकि हम उसको हर्बेरियम के अंदर सुरक्षित रख सकें। तो ये जो पादप प्रतिरूप हैं इनको सुखाने की भी एक विशेष टेक्निक है, टूल्स काम में आते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं वो, जो प्लांट मटेरियल अपन लेकर आए हैं उनको लकड़ी के दो बड़े बड़े पट्टे होते हैं, लकड़ी के तख्ते होते हैं, उन लकड़ी के तख्तों को अपन प्लांट प्रेस बोलते हैं, पादप प्रेस बोलते हैं। अब इन लकड़ी के तख्तों के बीच में जो मटेरियल अपन लेकर आए हैं, क्योंकि हर्बेरियम शीट में लगभग उस प्लांट की सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो हम ध्यान रखते हैं कि जो मटेरियल हम जिसका हर्बेरियम शीट तैयार कर रहे हैं उसमें कम से कम उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसकी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर और फ्रूटिंग स्ट्रक्चर सब होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ट्री स्पीसीज के अंदर देखते हैं कि अगर अपने को फ्रूट उसके ऊपर उस हर्बेरियम शीट के ऊपर नहीं लगा सकते तो हम अलग से तोड़कर उसको प्रिजर्व कर रख सकते हैं, जिनको हर्बेरियम शीट के ऊपर नहीं लगा सकते। तो अब क्या करेंगे अपन, पुराने अखबार या जो फिल्टर पेपर हैं ठीक है ना, उन फिल्टर पेपर के बीच में या ब्लॉटिंग पेपर जिसको बोलते हैं, उन ब्लॉटिंग पेपर के बीच में या पुराने अखबार के बीच में ये जितने भी प्लांट मटेरियल हैं उनको इस तरीके से जमाते हैं ताकि उसकी फिलोटैक्सी भी समझ में आए, उसकी ब्रांचिंग पैटर्न भी समझ में आए, उसके जो फ्लावर हैं वो भी अपन को ईजिली दिखाई दे और फ्रूटिंग भी ईजिली दिखाई दे। इनको इस तरह से जमा कर हम उन अखबार को जिनके अंदर ये प्लांट मटेरियल है उन सारे अखबार को इन दोनों पट्टों के बीच में रख कर, और इन पट्टों के ऊपर क्या लगे होते हैं, बेल्ट, चमड़े के बेल्ट लगे होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं अपन को, ये चमड़े के बेल्ट लगे हुए होते हैं ठीक है ना। इन बेल्ट से हम क्या करते हैं, इनको कसकर बांध देते हैं, क्या करते हैं कसकर बांध देते हैं ठीक है ना। और अब इसको ऐसी जगह पर छाया वाली जगह, डायरेक्ट धूप में नहीं, डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो प्लांट मटेरियल अंदर से ख़राब हो जाएगा, ऐसी जगह पर जहाँ हल्की छाया रहे और गर्मी भी जहाँ पर बनी रहे, जो ड्राई हवा है या ड्राई विंड जहाँ पर चलती रहे सूखी हवा, ताकि अंदर का प्लांट मटेरियल धीरे धीरे सूखे, एकदम से नहीं सूखे। तो अपन देखते हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर ये प्लांट मटेरियल जो है वो एकदम सूख जाता है, और बीच बीच में हम
ये हर दूसरे तीसरे दिन क्या करते हैं, इन फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर को बदलते रहते हैं ताकि उनकी प्लांट मटेरियल की जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से निकल जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन या किसी प्रकार से वो सड़े नहीं। लगातार हम बदलते रहते हैं पेपर को और कुछ हफ्तों में हम देखते हैं कि प्लांट मटेरियल एकदम से सूख जाता है, बिना मॉइस्चर का पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्लांट प्रेस कहलाएंगे। ये भी अपने आप में एक इक्विपमेंट है, एक टूल है हर्बेरियम तैयार करने के लिए। अब हमने प्लांट मटेरियल को सुखा लिया, उसका डेस्टिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इस सूखे हुए प्लांट मटेरियल या पादप प्रतिरूप को हम क्या करते हैं, एक हर्बेरियम शीट के ऊपर। अब हर्बेरियम शीट क्या है, एक विशिष्ट नाप की, एक विशिष्ट अमाप की हर्बेरियम शीट होती है, कार्डबोर्ड की मोटी ऑफ वाइट कलर की या एकदम वाइट कलर की अपन देखते हैं क्या होती है, एक शीट होती है काफ़ी मोटी शीट, ठीक है ना। आजकल हम ऐसी शीट काम में लेते हैं जो नॉन एसिडिक होती है, यानी कि जो समय के साथ में ख़राब नहीं होती, काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, तो ऐसी शीट को काम में लेते हैं और जिसकी एक फिक्स साइज़ है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं कि हर्बेरियम शीट की साइज़ क्या है, तो क्या साइज होती है, 11.5 इंच इंटू 17.5 इंच जो है हर्बेरियम शीट की एक फिक्स साइज होती है, कितनी, 11.5 इंच इंटू 17.5 इंच जो है इसकी हर्बेरियम शीट की एक फिक्स साइज होती है। और इस साइज की शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड लोअर कॉर्नर के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टैग चिपकाते हैं, जिस टैब के ऊपर किस जगह का यह फ्लोरा है उसका नाम, जैसे यहाँ अपन ऊपर की तरफ देखते हैं फ्लोरा ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान का फ्लोरा है, या किसी पर्टिकुलर जगह जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया का फ्लोरा है, तो जिसने ये बनाया है तो फ्लोरा ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया ये लगाते हैं। देन उसके बाद में उस फील्ड नंबर, किस जगह से उसको इकट्ठा किया है, उस फील्ड का नंबर या उस फील्ड का नाम, देन प्लांट का बॉटनिकल नेम, उसका लोकल नेम, उसकी फैमिली हैबिट के थोड़ा सा करेक्टर किस जगह से लिया, और प्लांट के कुछ करेक्टर, है ना, मोटे मोटे प्लांट के कुछ करेक्टर कि ट्री है या श्रब है या कैसा है, हर्ब है, और फ्लावर का कलर क्या था, ये छोटे मोटे करेक्टर जो है हम इसके ऊपर लिखते हैं। और सबसे नीचे की तरफ हम इसको किसने कलेक्ट किया और किस डेट को कलेक्ट किया है, उस कलेक्टर का नाम और उस डेट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। और अब ये जिसको चिपकाने के लिए, इस प्लांट प्रतिरूप के इसके ऊपर चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, सरेस या जो ग्लू होता है, ठीक है ना, सरेस या ग्लू, ग्लू भी हम पानी वाला ग्लू नहीं, नॉर्मली हम देखते हैं कि पानी वाले ग्लू के अंदर फंगल इन्फेक्शन लग सकता है, तो जो सिंथेटिक ग्लू होता है उस सिंथेटिक ग्लू को या सरेस को, अपने यहाँ पर सरेस बहुत इजीली मिल जाए, सरेस का ग्लू जो है, उस ग्लू से हम क्या करते हैं, इसके नीचे की तरफ वो ग्लू लगाकर। अब ग्लू लगाने का भी एक तरीका है, क्योंकि सूखा हुआ प्लांट मटेरियल बहुत फ्रेगाइल होता है, टूट सकता है, तो हम एक बड़ी ट्रे के अंदर ये ग्लू क्या करते हैं, डाल देते हैं, और चिमटी की सहायता से या दो चिमटियों की सहायता इस प्लांट प्रतिरूप को पकड़कर हम उस ग्लू के ऊपर रखते हैं ताकि इसकी नीचे की सारी सरफेस पर वो ग्लू लग जाए। अब इसको उठाकर अपन क्या कर देते हैं, इस प्लांट हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है ना। कई बार डालियाँ मोटी होती है, आसानी से पूरी सरफेस इसके ऊपर नहीं आती, चिपकती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ब्राउन टैप भी, कागज़ की एक ब्राउन टैप कई बार देखा होगा पतंग के ऊपर लगी होती है, पतंग बनाने वाले काम में लेते हैं ना, काइट बनाने वाले, तो इन पतंग के ऊपर जो टैप काम में लेते हैं ब्राउन टैप, उन ब्राउन टैप से हम क्या करते हैं, मोटी टहनियों को या जड़ों को चिपका देते हैं। कई बार हमें उसको सीलने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो धागे की सहायता से हम दोनों तरफ छेद कर कर क्या करते हैं, उसको एक गठान मार देते हैं ताकि वो वहाँ से हटे नहीं या निकले नहीं, मोटी टहनियाँ जो हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट का निर्माण करते हैं। और अब इन हर्बेरियम शीट को हम क्या करते हैं, हर्बेरियम के अंदर पादप संग्रहालय के अंदर क्या करते हैं, जमा कर रखते हैं, वहाँ पर इकट्ठा कर कर रखते हैं। ये जो पादप संग्रहालय है, अब इसके अंदर देखते हैं अपन एक बड़ी लैब जैसी कह सकते हैं, एक बड़ा घर जैसा कह सकते हैं, जहाँ पर कई सारे कमरे होते हैं, इन कमरों के अंदर कई सारी अलमारियाँ रखी हुई होती हैं, अलमीरा। और ये जो अलमीरा है, ये अलमीरा देखते हैं अपन, विशेष तरह के अलमीरा जिसमें अपन देखते हैं कि इस तरह से खाने बने हुए होते हैं,
ये जो अलमीरा हैं, इन अलमीरा में क्या होता है, विशेष तरह के खाने बने हुए होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो है इन अलमीरा की, वो अलमीरा की क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस अलमीरा के अंदर जो ये खांचे हैं, ये खांचे हम इस तरह से बना दें, इन खांचों का जो नामकरण करते हैं, और ये क्योंकि ये खांचे क्या है, फैमिलीज को रिनोट करते हैं, तो इनकी फैमिलीज को हम किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, तो ये जो अलमारियां हैं, इन अलमारियों में जो सबसे पहली अलमारी होगी उसमें जो फैमिलीज होंगी वो कैसी होगी, रेनन्कुलेसी, क्योंकि सबसे पहली फैमिली बेंथम हुकर में क्या है, रेनन्कुलेसी है, फिर मैग्नोलियसी, यानी कि जो उनका क्लासिफिकेशन दे रखा है उस अनुसार हम फैमिलीज बनाते हैं। और इन फैमिलीज के अंदर अब जीनस वाइज हम क्या करते हैं, इन प्लांट को रखते हैं, ठीक है ना, स्टोर कर रखते हैं। कई बार हम इन हर्बेरियम सीड का फंजी साइड से और बैक्टीरियल साइड से भी क्या करते हैं, फंजी साइड और बैक्टीरियल साइड क्या होते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिससे इनके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया या का इन्फेक्शन नहीं हो और ये सड़े नहीं, उनका छिड़काव करते हैं ताकि ये हर्बेरियम सीड जो हैं वो लंबे समय तक, कई सालों तक, कई सौ सालों तक सुरक्षित रह सके। तो ये क्या कहलाएगा, प्लांट हर्बेरियम कहलाएगा, और ये सारे इक्विपमेंट उसके लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास में हर्बेरियम तो बन गया, तो विश्व के कौन कौन से ऐसे हर्बेरियम हैं जहाँ पर इन प्लांट हर्बेरियम को हमने ये जो पूरे विश्व में विख्यात है पादप संग्रहालय के रूप में। तो चूंकि एक बड़ा टॉपिक है टूल्स और टैक्सोनॉमी वाला, तो हम इसको एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकते, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा कौन सा है, पार्ट फर्स्ट का वीडियो है, टूल्स और टैक्सोनॉमी का पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्व के अंदर हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है और लाइब्रेरीज हैं जिनका उपयोग हम टूल्स के रूप में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इसको वापस देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, बुक से पढ़िए, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।